नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स अबाउट अब्रॉड टुडे आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट माय होल एक्सपीरियंस इन बीएफएस मुंबई माल्टा सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच माय होल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड सो मैं आज आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा क्या आपको प्रोसेस कि हाउ वाई एक्सपीरियंस ओवर देअर वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क मी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप uh, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहे है, उस दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपके फाइल में अटैच कीजिएगा और जैसे कि माल्टा वी एफ जो महालक्ष्मी इन बॉम्बे पे है तो लाइक like, आप कहीं भी होगे टाइम से वहाँ पे पहुँच जाइए क्योंकि हम अगर लेट हो जाते हैं तो वी आर गेटिंग पैनिक ओवर देयर सो वी रीच ऑन अ टाइम देन लाइक ब्रिंग योर वाटर बॉटल्स विथ्यू क्योंकि दो एक डेढ़ घंटे अपन को लाइन में लगना होता है सो so, फिर अदर उधर लाइन में लगना होता है सो so, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट हैं आप बाहर से मत कराइए एमबेसी के अंदर आ, भी प्रिंट आउट मशीन है अगर आपका कैश विथड्रॉल कराना है तो वो भी एमबेसी के आ, अंदर ही ए टी एम है वहाँ से भी अपन कैश विथड्रॉल करा सकते हैं देन आपके सारी डॉक्यूमेंट्स को ले जाके Uh, वो अपना सारे चेक करेंगे कि अपॉइंटमेंट सेंटर नंबर ये सारी प्रोसेस चेक करने के बाद वो फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पर पहुँचा देंगे आपको कि जाइए सेकेंड फ्लोर पर लिफ्ट से हम सेकेंड फ्लोर पहुँच जाएंगे वहाँ पर जाके काउंटर्स बने हुए हैं हर एक कंट्री के अलग के माल्टा का क्रोसिया का फिनलैंड का न्यूजीलैंड का स्विट्जरलैंड का ऑल कंट्रीज़ है इंडिविजअल काउंटर्स तो जहाँ पे अपने ही माल्टा का अगर अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो आप माल्टा के काउंटर के पास में जाके बैठ जाइएगा और डॉक्यूमेंट्स मैम को दिखाइएगा दैन वो मैम्स नंबर दे देती हैं टोकन नंबर के इस टोकन नंबर पर आपको आना रहेगा तो आप उस टोकन नंबर जैसे ही वो टोकन नंबर बोलते हैं वहाँ पर तो आप वो टोकन नंबर पर जाके अलर्ट रहिएगा वी अलर्ट ओवर देयर तो अपने डॉक्यूमेंट सारे उनको दे दीजिएगा और वो चेक करती हैं क्रॉस चेक करती हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर हैं प्रॉपर वे में हैं अपना आधार कार्ड अपना पासपोर्ट देन ऑल वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर्स एंड फ्लाइट टिकट दैन अपना एम्बेसी रिकमेंडेशन फ्लाइट टिकट एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड सिंगल परमिट आइडेंटिटी माल्टा एंड ऑल आर दीज डॉक्यूमेंट शुड बी इन राइट मैनर सो दे कैन ईजी टू अरेंज योर फाइल अदरवाइज दे विल सेंड यू अगेन बैक के ब्रिंग दिस दिस फोटो कॉपी दिस पासपोर्ट दिस इज मिसिंग तो आपको ये सारी चीज़ों को पहले से अरेंज करके रखना होगा तो ईजीली आपका नंबर आएगा दैन फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वैन दे आस्क फॉर डिपोजिट मानी सो यू हैव टू ब्रिंग योर कैश डोंट टेक ओवर देयर योर कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट दे इस्टिकली डिनये कि वही हम लोग कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं आपको कैसे लेना है ते, तेरह हजार आठ सौ अस्सी रुपये कुछ जितना अमाउंट वो लोग लेते हैं वन फिफ्टी यूरो का इतना होता है आप ये अमाउंट को साथ में ले कर चलिएगा और देन uh, आपका जब अपॉइंटमेंट uh, सारी फ़ाइल चली जाएगी अंदर के लिए तो आपको वेट करना होगा कि फ़ाइल कितना टाइम पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जैसा फ़ाइल अरेंजमेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट uh, में ही इंटरव्यू होता है कुछ लोगों का जो स्टडी uh, के लिए होते हैं उनका इंटरव्यू होता है वो एक अलग इंटरव्यू होता है बट जो वर्क वीज़ा के लिए सब लोग जाते हैं जैसे आई हैड अप्लाइड ओवर देयर फॉर वर्क वीज़ा सो दे अपॉइंटमेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है देन वन टू वन इंटरव्यू होता है देन वो ऑफिस में बुलाते हैं देन दिस आर द्वेश्चन दे विलास्मली दे विलास योर नेम यर स्पेलिंग इन दे पासपोर्ट एंड योर सर नेम बोथ आर दिमिलर नथिंग वन अ चेंज मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि पासपोर्ट पर अलग नाम है और अपना आधार कार्ड पर अलग नाम है और अपना नाम कुछ अलग हो दैन किस कहाँ uh, किस कंपनी में अप्लाई किया मतलब किस काम के लिए जा रहे हो Uh, कहाँ पे रहोगे वहाँ पे uh, यही बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं देन तुम्हारा फ्लाइट टिकट का ये रेफरेंस uh, नंबर जो अप्लीकेशंस रेफरेंस नंबर रहता है वो भी आस करते हैं यही सारे मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो आप uh, पूछते हैं नथिंग कोई ऐसे डिफरेंस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो अपन को पता है बेसिक इंट्रोडक्शन वेर योर नेम वेर आर यू फ्रॉम एंड uh, तो किस कंपनी में जा रहे हो कहाँ कितना पैसा रहेगा कब आओगे रिटर्न बैक और तुम्हारा रेफरेंस नंबर वर्क आइडेंटिटी माल्ट वर्क परमिट का जो नंबर रहता है आ, और तुम्हारा पासपोर्ट नंबर भी पूछते हैं दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू यू रिमेंबर योर पासपोर्ट नंबर इफ़ यू डोंट रिमेंबर सो प्लीज़ रिमेंबर योर पासपोर्ट नंबर लाइक इसका यू थ्री सेवन फाइव फाइव फोर नाइन ऐसा कुछ होता है तो इसको आप याद करके जाइएगा अपना पासपोर्ट नंबर को आ, नहीं भी याद हो तो उससे पहले याद कर लीजिएगा क्योंकि वो पूछते हैं ये आपका पासपोर्ट नंबर ये सारी चीज़ें पूछते हैं इसके बाद वो पूछते हैं कि आपका कितने टाइम का ड्यूरेशन है और कब रिटर्न बैक रहेगा तो आप बोल दीजिएगा मैं एक साल के लिए जा रहा हूँ एक साल के बाद वापस जाऊँगा एंड uh, दिस आर क्वेश्चन दे आस्क है ना वन टू वन इंटरव्यू एंड देट टू के आप चले जाइए ना फाइल जमा करने के बाद और फोटो खींचते हैं वो वहाँ पे लाइव फोटो खींचते हैं अपना वो वीजा के लिए अगर आप आपका पासपोर्ट को आपके रूम एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो आपको पहले ही ये डिटेल देनी होती है अगर आप नहीं मंगाना चाहते हैं तो फिर आपको अगेन माल्टा एम्बेसी मुंबई मुंबई जाना रहेगा और वो कलेक्ट करके लाना तो ये चीज़ ध्यान uh, you house, so your, uh, आपका ध्यान रखना होगा इफ़ यू वॉन्ट योर पासपोर्ट एट योर हाउस सो यू हैव टू गिव योर पे अमाउंट ओवर देयर कि आपका कोरियर पार्सल करके आपके घर पे आ जाइए तो वो आप वहाँ पे इन्फॉर्म करके आएगा अगर नहीं चाहते हैं तो आपको वहीं पे रिटर्न जाना होगा और आपको आपका पासपोर्ट लेके आना होगा क्योंकि ये सर्विसेज ऐड करवानी होती हैं अगर पहले से आप ऐड कर पाओगे तो आपको जैसा भी आप दूर के हैं आपको दोबारा बॉम्बे नहीं जाना रहेगा बॉम्बे दिल्ली या लखनऊ हैदराबाद तो वेर एवर यू गेट योर वीजा अपॉइंटमेंट कहीं भी मैं मेरा एक्सपीरियंस मुंबई का माल्टा एम्बेसी का शेयर कर रहा हूँ अगर दोस्त हु आर गोइंग देर अपकमिंग अपॉइंटमेंट इन मुंबई सो वो प्रिपेस कर सकते हैं अगर कुछ भी इससे रिलेटेड इनका अपकमिंग डेट में एम्बेसी अपॉइंटमेंट हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं मैंने व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया है मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट Any query, any question, any problem uh, arranging documents and what kind of documents you need, anything you want, just uh, message me. And my, I also um, link in my Instagram ID, you can uh, direct DM me over there if you have any query related to uh, that abroad uh, work permit. So you can uh, below comment me. So I hope you like my video. So please do like, subscribe, and comment. Uh, and share with your friends and i will share my own uh, experience in next video so please watch continue my video thank you so much Dostoy.